spell it. सब तो इनसे पूछिए, मैं क्यों बताऊं? जब कांड इन्होंने किया तो यही बताएंगी ना क्या हो रहा है।
हमारे शो में जितने कांड है ना वो यही करती है, हम उन सब कांडों को समेटते रहते हैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह बजाते हैं, हम तो पागल हो गए इसके कांड संभाल। बोलो तुम। हाँ, मैं इस शो में बस हुई इसलिए ताकि मैं एक न एक आफत लाती रहूँ, ये लोग ठीक करते रहे। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी आश्रम में शांति पाठ चल रहा है, इतनी अशांति जो हो गई है हमारे आश्रम में, तो उसके बीच में कुछ त्रिपुरारी आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बड़ी अम्मा में समझाती हैं क्योंकि यही एक हमारी एक हमें सही गाइडलाइन देने वाली हैं, तो बताती हैं कि क्या त्रिपुरारी ही हो सकता है इन सब चीज़ों के पीछे, तो उसी के ऊपर सीन चल रहा है। अच्छा, जैसा कि देखा जाए अमिताभ बच्चन, सुभाष सिंह, यहाँ रिलायंस स्टूडियो इंफ्रेंस सिटी में है, ये हमारा भारत स्वच्छ भारत करने के लिए गंदगी ना करे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो थैंक यू मुझे बताने को, मुझे नहीं पता था, हम दिन भर शूट पे ही रहते तो हमें बाहर की तो जानकारी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि जो एडुकेटेड जो हमारे सोसाइटी में पीपल हैं उनके लिए ठीक है। इनफैक्ट एडुकेटेड लोग भी अगर यही चीज़ करते हैं तो उनको भी समझाना ज़रूरी है। हम सड़कों पे जाते हैं, खाकर यहीं फेंक देते हैं, तो ऑब्वियसली एक क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छा लगेगा, खुद को रहने में अच्छा लगेगा, विजिटर्स आएंगे उन्हें तो अच्छा ही लगेगा, है ना नानी? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सबके लिए कानून बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाहर के देश में जाओ, एक डर बैठता है कि हमने अगर थूक दिया, हमने ये फेंक दिया तो ऐसा हो जाएगा, कैमरा कैप्चर कर लेगा ये, जो हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को अगर मुझे लगता है कि इसके लिए फ़ाइन वगैरह तय हो जाए तो सब कोई लाइन पे आ जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट सबको करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, उनकी मेंटालिटी ये है कि हम सड़क हमारी थोड़ी ना, हम गंदी करेंगे। अब हमें बाहर जाके ऐसी फीलिंग क्यों होती है कि हमें नहीं करना, बिकॉज वहाँ लॉज बने हुए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, करेंगे तो ये हो जाएगा, आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते, आप थूक नहीं सकते, आप पेपर नहीं फेंक सकते, ऐसा हो जाएगा वहीं के, तो हम भी नहीं करते हैं वहाँ पर जाके। मेरे को लगता है कि होने चाहिए लॉज, जिसकी वजह से तभी लोग ठीक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, क्यों बेटा? सही बात है, बिल्कुल सही है, बहुत बताएगी ज़्यादा। नहीं, एकदम सही है कि लॉ बनना बहुत ज़रूरी है, एक डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे, क्योंकि पैसे खर्च करने किसी को नहीं पसंद है, आप फाइन चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली लोग 10 बार सोचेंगे फेंकने से पहले। यही लोग जो बोलते हैं कि हमारी सड़कें नहीं है, बाहर अब्रॉड जाकर एकदम अच्छे से रहेंगे, तमीज़ से पेश आएंगे, तो हमारे देश में क्यों नहीं, हम इंडियंस हैं तो हमें प्राउड होना चाहिए इसके लिए, और ऑब्वियसली हमें इंडिया क्लीन रखना चाहिए। जैसे अभी ट्रैफिक का शुरू हो गया कि अरे किसी ने बेल्ट हो तो ये होगा, अभी चेकिंग शुरू हो गई, मैं कितने लोगों के मुंह से सुनती हूँ और उसकी वजह से वो अवेयर हो गए। ऐसे ही मुझे लगता है स्वच्छ भारत के लिए भी ये थोड़ा सा हो जाना चाहिए, अगर हो गया तो पता नहीं भारत तो हमारा क्या से क्या हो जाएगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए कि मुझे इतना प्यार दिया है, फर्स्ट शो है मेरा, लोगों के लिए इजी नहीं होता है एक न्यू कमर को एक्सेप्ट करना, लेकिन मुझे किया, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच, इतना ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, और बिना ऑडियंस के तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इसी तरह हमें प्यार करते रहिए, और धानी को आप प्यार करते हैं और हम भी करते हैं, हम तो जानते ही हैं।